हाल ही में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद देश भर के डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड के डॉक्टरों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। देहरादून के एम्स ऋषिकेश के बाद अब दून अस्पताल के डॉक्टर भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक हुआ करता था, अब वह क्रांति लेकर आएगा। कोलकाता में महिला की हत्या को उन्होंने निर्भया 2.0 कहा। वहीं दून अस्पताल में कार्य करने वाली महिला डॉक्टरों ने बताया कि एक डॉक्टर को किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती, फिर भी वे अपनी सेवाएं देते रहते हैं। डॉक्टर्स की या कोई भी डॉक्टर हो, हम लोगों की नाइट ड्यूटीज भी होती हैं और कभी कभी 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स की भी ड्यूटीज होती है, जिसमें बेरली हमको थोड़ा सा टाइम मिलता है रेस्ट करने का। तो देखिए, अगर हम इतना सर्विस लोगों को दे रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, तो बदले में हम भी अपनी सुरक्षा का डिमांड करते हैं ना। कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ये। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो रात भर ड्यूटी करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स वहाँ इमरजेंसी देखते हैं, वार्ड में ड्यूटी करते हैं, वार्ड राउंड्स करते हैं, ICU में ड्यूटी करते हैं। ऐसे में ये जो इंसिडेंट कोलकाता में हुआ है, इसने हम सबको इतना डरा दिया है। और मुझे लगता है कि अभी भी अगर लोग इस चीज से डिस्ट्रेस नहीं फील कर रहे हैं और वो नहीं समझ रहे, तो कल को उनकी बेटी, उनकी बहनें, उनकी माएं, ये सब भी तो हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जनरल पब्लिक क्यों इस पे आवाज नहीं उठा रही है, और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को ही क्यों इतना आगे बढ़ चढ़ के सबको बोलना पड़ रहा है कि आप भी सपोर्ट। ये निर्भया 2.0 ही है, उससे भी बढ़कर है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पूरे कपड़े पहनकर रहते हैं, वहां पे भी आप सेफ फील नहीं कर सकते, जहाँ पे आपके बहुत सारे साथी होते हैं, हॉस्पिटल का और स्टाफ होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर वहाँ पे भी फीमेल सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी सेफ हैं। कि प्रोफेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमसे पूछते हैं, तो हम भी दो बार सोचते हैं कि हम इन्हें एडवाइस करें कि नहीं करें। क्योंकि इंडिया में अब ऐसा हो चुका है, आप काम पूरे 36-36 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं, सेफ्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम प्रोटेस्ट पे बैठते हैं तो कल को आसाम में, जैसे कि आपने देखा होगा, उन्होंने सिलचर मेडिकल कॉलेज ने एक निकाला कि फीमेल्स को ही अपना वो करना चाहिए, फीमेल्स को ही अपने सुरक्षा का जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो अगर कोई मेडिकल कॉलेज ऐसे भाषण देता है, ऐसा रिटर्न में निकालता है, तो जब कॉलेज हमारी सिक्योरिटी नहीं दे सकता, कोई सरकार हमारी सिक्योरिटी नहीं दे सकती, आप काम हमसे पूरा चाहते हैं, और आपको पता ही है पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स कितने आक्रोश में होते हैं, कितनी बार वो सब भी एक जूनियर डॉक्टर्स को ही देखना पड़ता है, तो ऐसे में कौन ही पेरेंट्स चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को आगे मेडिकल में पढ़ाएं। आप ये देखिए, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 की रात में वहाँ पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उन पे हमला हुआ। वो लड़की जो चली गई, उसके प्रोटेस्ट में जो खड़े हैं, उन पे भी हमला हो रहा है। जो आपके सारी सिक्योरिटीज वहाँ पे रखी हुई थी, वो कुछ काम ही नहीं कर पाई। एक नर्सिंग स्टाफ का रेप और मर्डर का न्यूज हमने पढ़ा है। तो जब हम कहीं पे भी सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में लोग अपना पूरा दिलो जान से जैसे देते थे वैसा देना चाहेंगे। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।